ये कपड़े मेरी बेगम ने खरीदे थे और उसने कहा था कि आपने ईद के दिन पहनने हैं। रात को तकरीबन 2 बजे मैंने इन कपड़ों को इस्त्री किया है, शलवार कमीज को। नाउ इट इज़ रेडी टू वेयर। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी अभी उठा हूँ सो के, लॉट्स ऑफ वर्क्स टू डू। जयरंगर पे आज खड़े हैं और आज यहाँ से डिपार्चर भी है, थोड़ी देर बाद बंकर भी है, काम काफी सारे हैं। ये हमारे टीनो साहब, टीनो साहब ईद मुबारक। ईद मुबारक। गले मिलो सर। हालत बस ऐसी ही रहती है, हालत चेक कर लें आप, ये हालत होती है हमारी ईद वाले दिन। बिकॉज वट एवर इट इज वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग, राइट? जी सर। टेम पकड़ा दो मुझे, दूसरी वाली पकड़ा दो, बड़ी वाली पकड़ा दो। हाँ साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन चल रही है और साथ ही साथ मैंने सोचा कि अपना नाश्ता भी कर लेते हैं। यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि ईद वाले दिन जो है वो सबके सब ऑफिसर्स को एटलीस्ट अपने कैबिन में बुलाता हूँ, क्योंकि इतनी जगह होती है और हम लोग मिल के नाश्ता करते हैं। पर इस बार जो कि पोर्ट्स में है और पोर्ट्स के बारे में आप अक्सर पूछते हैं कि आप तो वहाँ पर इंजॉय करते होंगे, वहाँ पर काम ज़्यादा होता है पोर्ट्स में। और आज भी अभी बोट आई हुई है, चीफ साहब स्टोर्स उठा रहे हैं, चीफ इंजीनियर साहब अपना काम कर रहे हैं, सेकंड साहब अपना काम कर रहे हैं, तो आज हम नाश्ता नहीं कर सके, लेकिन आज लंच का प्लान है इकट्ठे। ये भी हो गया, ऑल डन। अच्छा ईदी चाहिए तुम्हें, साफ सुथरे हो के आओ दोनों जरा मिलके। कमरे में क्या हो रहा है ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं सारे जहाज पे। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कल ही मैं सभी आ जाए इंडिया में। अब हाल देख लें, हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज कब है। तो नहीं, बोर्ड का काम खत्म हो गया है और अब ये बंकर बाहर जा रही है। ये सामने से आ रही है बंकर बाहर, पीछे से भी बंकर दे रहे हैं। एक काम खत्म, दूसरा काम शुरू। ईद के दिन सारे के सारे काम आ रहे हैं, हर तरह के, क्योंकि अभी समंदर में हमें यहाँ से डिपार्चर करना है और हमने यहाँ से निकलना है। उम्मीद ये होती है कि ईद कहीं समंदर में मिल जाए ना, खुले समंदर में, तो वहाँ पे ज़रा सुकून होता है। यू कैन ईजिली सेलिब्रेट, आप ज़रा थोड़ा सा टाइम अपने घर के साथ गुजार सकते हैं एटलीस्ट फ़ोन के ऊपर, और आप अपने जहाज़ के क्रू के साथ वक्त गुजार सकते हैं। जब आप पोर्ट्स के ऊपर होते हैं तो आप बड़े बिजी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो बस ये आज का एक ऐसा ही दिन है, सबके सब काम चल रहे हैं। ये देखें जी, ये हमारा एक और चैंपियन है, सेकंड ऑफिसर सुदेव। खुलिया आप इसका भी चेक कर लें, ये भी बना रहे हैं सुबह। वर्क वर्क एंड वर्क। क्यों सुदेव भैया, चीफ साहब को टास्क दिया था सबको लंच के लिए बुला लो, चीफ साहब कह रहे हैं सारे के सारे बिजी हैं। बिल्कुल 11:30 बजे आ गया था, 11:30 पे आ गया था, स्टार्ट होते होते 12 तो बजा ही दिया ना उसने, तो बस हम 3 लोग लंच करेंगे। चलो चलते, मेड सम गुड फॉर टुडे। आज हमने बनवाई है मटन बिरयानी, चिली पकोड़े, दूसरे पकोड़े, पापड़। सर नहीं मिल रहा मुझे मटन। अच्छा, मैंने एक पीस मिला छोटा सा, खाक निकल गया। तो चीफ साहब अब देखें, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि आपने काम करना है, कि आपने सबको बताना है कि कोई 12:30 से पहले नहीं आएगा। ये आपकी फॉल्ट है, ये आपकी फॉल्ट है। हाँ जी चीफ साहब, शाम को 7 बजे, आज ईद है तो थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं। काफी ज्यादा हो गया सर, बड़े कबूतर बन के आ गए हो। जब ईदी लेने आना तो कबूतर बन के आना दोनों ने, उसके बगैर ईदी नहीं मिलेगी, ठीक है ना? कौन सी मिठाई रहती है सीसीआर में? पेड़े जो आए थे, और तू रोजाना खा रहा है जी जी। तो पेड़े खा खा के पेड़ा बनता जा रहा है पूरा। बंकरिंग हुई कंप्लीट हमारी, डॉक्यूमेंटेशन एंड लीविंग द स्टोर हो गई सर कंप्लीट। हाँ करते हैं, इसको भी करते हैं।
देखो जी सारे के सारे स्टोर्स हैं, everybody is as usual busy. सेंड कर दिया? Yes sir. Okay, ठीक है. ग्लोबल बंकर हो गया है खत्म. यूट्यूब से को मैंने कह दिया था कि इंजन रेडी करवा ले, उसने करवा लिया है मेरे ख्याल में. अभी जो है हमने फाइनल टेस्ट एंड चेक्स करने हैं एंड देन वी विल डिपार्ट फ्रॉम हियर. शाम को तुम दोनों के दोनों इकट्ठे मेरे पास आ रहे, फिर इकट्ठे देता हूँ तुम दोनों, ठीक है? चलो थैंक यू डियर. अच्छा हर दफ़ा ईद पे ना एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपने ईद की नमाज़ कहाँ अदा की. तो यार नवाफिल वगैरह हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन ईद की नमाज़ जहाज़ पे होती नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो वो नहीं हो सकता. बाकी ये है कि इस बार ईद जो है वो पाकिस्तान में कल है, हमारे पास आज है. यूजुअली एक आध का डिफरेंस हो जाता है, इसके बारे में मैं कई दफ़ा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ऑलरेडी कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इट्स क्वाइट नेचुरल. और इस बार एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं इन सब को बहुत मिस करूँगा. बहरहाल देखा जाए तो ना हाइंडसाइट हम लोग काम भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं. अपना क्या है, अपना तो आप जो है वो थोड़ा बहुत भी कर लें तो आप आराम से पूरा साल घर बैठ के खा सकते हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, बच्चों की ज़रूरियात हैं, उनके लिए काम करना पड़ता है. आई होप दे आर ऑल सक्सेसफुल इन देयर लाइफ इंशाल्लाह. आजकल के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है, वक्त बड़ा गुजर गया है, चीज़ें हैं, रेगुलेशन काफ़ी तब्दील हो गई हैं. लाइव एनिमल चूँकि वो एक सोर्स हो सकता है बैक्टीरिया का और वायरस का, तो लाइव एनिमल जो है उसको जहाज़ पे लाने की इजाज़त नहीं होती. तो फिर हमें हमारे पास जो ऑलरेडी गोश्त मौजूद है उसी से गुजारा करना पड़ता है. मेन्यू मैंने स्पेशल बनवा लिया था आज दोपहर को, चीफ ऑफिसर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि उनको मटन बिरयानी चाहिए. मुझे चिली के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने कहा वो साथ में बनवा लेते हैं, रायता वायता सब चीज़ें बनवा ली थी. शाम के टाइम पर कुछ कबाब वगैरह का और इन चीज़ों का प्रोग्राम है. दोपहर के टाइम में हमारा इनिशियली प्रोग्राम ये था कि सब के सब लोग इकट्ठे 12:30 के ऊपर खाना खाएंगे और फिर उसी की मैं वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, बट दैट डिड नॉट हैपन. आपको ऑलरेडी ये बात पता है क्योंकि हमारी जो लूब ऑयल बार है वो एग्जैक्टली 11:30 पहुंच गई, जिसका मतलब ये था कि फोर्थ इंजीनियर बिजी हो गया, सेकंड इंजीनियर बिजी हो गया, मैनी पीपल गॉट बिजी और हम लोग 12:30 सबके सब इकट्ठे नहीं हो सकते. कुछ लोगों ने जल्दी खाना खाया, कुछ ने बाद में खाना खाया. शाम को भी वैसे मेरी पूरी की पूरी स्पेकुलेशन हैं कि शायद हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है शाम. फिर आप लाइजा कर रहे हैं हमारी रूटीन, ऐसे ही होता है बस ऑलमोस्ट हर ईद पे. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लकी हो जाएं और बीच समंदर में हमें ईद मिल जाए, तब हमारे पास टाइम बच जाता है, वरना पोर्ट्स पे तो ऐसे ही होता है. दिस इज़ वेरी नॉर्मल. अभी थोड़ा सा टाइम मैंने अपने निकाला था, मैंने कहा जी कॉफ़ी टाइम हो गया, जाके कॉफ़ी पी लेते हैं कमरे में. तो कमरे में आके मैंने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आए होते हैं, क्यों ना उनका कुछ रिप्लाई कर दिया जाए. तो आई रिप्लाइड मैनी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आते हैं. तो वह यही इसका डर था, और डर इस बात का था कि शायद मसरूफियत की वजह से लोगों को वक्त नहीं मिल पाएगा, लोगों को वक्त नहीं मिल पाया, सारी की सारी प्लानिंग होगी आउट, सारी की सारी प्लानिंग आउट होगी. तो स्टार्ट कर दिया है एग्जैक्टली 7 कोई भी खाने के लिए नहीं. शाम के 7:30 हो गए तो मैंने कहा मैं अपना जिम पूरा कर लेता हूँ, लोग बाद में आते हैं मिलेंगे, कुछ खा के जा चुके हैं, कुछ अभी खाएंगे कि हम लोग हैं अभी स्ट्रेट ऑफ फॉर्मल में, यहाँ पे ज़रा लोग स्ट्रेट ऑफ फॉर्मल पहुँचने वाले, यहाँ पे ज़रा लोगों में ज़्यादा सही होते हैं तो पीपल आइए. जिम करना बहुत ज़रूरी है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है. हमें उनके साथ थोड़ा देर से हुआ लेकिन शुक्र है कि एहसास हो गया. चेक करें पूरा बेंच प्रेस गीला हुआ है, और बेंच प्रेस गीला होना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. 1:20 हो गए हैं, 10 और पूरा 1.5 मिनट पूरा करना है. 1.5 मिनट के 3 प्लैंक्स, बस यही होती है हमारी ईद यार. रात में जो करना है कुछ टाइम में होता है तो आप उसको कर लें, वरना जो जहाज़ के काम है दे कीप ऑन हैपनिंग
आपके पास ज्यादा वक्त नहीं होता, आपको वक्त मैनेज करना पड़ता है, अपने लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। मेरी तरह की अगर आपकी हॉबी है यूट्यूब की, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, अपने आप से नहीं निकलेगा टाइम। यू हैव टू कीप द थिंग्स फास्ट ऑन द फास्ट ट्रैक। 5 seconds to go for the next plank. Okay, 3, 2, 1. पता नहीं मसले बन रहे हैं या मसले बन रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बन रहा है। बड़ी जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एंड विद दिस माय जिम हैज कंक्लूडेड अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन। तमाम एक्सरसाइजेज मुकम्मल हो चुकी हैं और आज के दिन में मैंने तकरीबन 450 कैलोरीज बर्न की हैं। गुड इनफ। हाँ जी साहब। सर बाकी सबका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सब खाना खा के जा चुके हैं, तो बस अब मैं और चीफ ऑफिसर। खाना बचा भी नहीं है? खाना बचा ही नहीं, नहीं यार मेरे लिए, मतलब मेरे वजह से जो बना चिकन थोड़ी वो बहुत होया नहीं, खत्म ही हो गया। खत्म हो गया? हाँ। ओह गॉड। चल क्या कह सकते हैं, लेट्स सी क्या है और क्या नहीं है। चिकन लॉलीपॉप तो खत्म हो गया, शामी कबाब पड़े हुए हैं, और ये अच्छी नहीं है मटन कढ़ाई का दो बाउल खीर के खाकर हमने अपनी सारी एक्सरसाइज मिल कर दी है। वो भी मीठी प्लस चावल प्लस दूध, वो भी फुल फैट वाला। तो बस देख ले, इन बच्चों को बेबी टाइम मिला, रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में पूरे 10 मिनट बाकी हैं, और अभी ये दोनों के दोनों मेरे पास सीधी रहने के लिए आए हैं। सीधी दोनों को दे दी है, तो बस यही है कि हम कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस को जिंदा रखते हैं, जिंदा रखने की भरपूर कोशिश करते हैं, उसमें खाना भी है। आपको फील हो रहा होगा मुझे अपने खाने आ रही है, क्योंकि मैंने खाना ज़्यादा खा लिया आज, क्वाइट अ लॉट। नगार आ रही है आज बहुत ज़्यादा पोर्ट के ऊपर, पोर्ट पर खास तौर पर, जैसे आज का दिन था अराइवल डिपार्चर का, जिसमें आपने अपना एंकर भी उठाना है, ग्लोबल का बंकर भी लेना है, आपके 3 मंथली स्टोर्स भी आने हैं, एक दिन में ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ चल रही हो, तो ईद तो फिर आप समझें कि बिल्कुल बैक बर्नर पर चली जाती है, फिर तो आपको वक्त ही नहीं मिल पाता। बहरहाल आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे पिछले साल के रमज़ान और पिछले साल की ईद की आप वीडियोस देखना चाह रहे हो, तो वो दोनों मैं लिंक कर दूंगा यहां पे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ मी ज़ाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।